रमन सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। रमन सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, चार राज्यों में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, इस पर देना चाहेंगे, या पंजाब में भाजपा साफ हो गई और आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है दिल्ली की तर्ज पर, इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कमल खिल रहा है उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें और गोवा की बात करें, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में कमल ही कमल है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना, कार्यक्रम और क्रियान्वयन की जीत है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने कमाल किया, जिस प्रकार मोदी योगी सरकार ने वहां चमत्कार किया और योगी जी ने जिस प्रकार वहां पे ईमानदारी के साथ 5 साल काम किया, डेवलपमेंट के काम किया, असामाजिक तत्व गुंडा तत्वों को ठीक करने का काम किया, और जिस प्रकार महिलाएं वहां सुरक्षित है, जिस प्रकार विकास का एक नया मॉडल देश को उन्होंने दिया, ये चमत्कार मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने किया। जिस प्रकार मेहनत प्रधानमंत्री जी ने पूरे चारों पांचों क्षेत्रों में जाकर किया, उसका एक सकारात्मक रिजल्ट आ रहा है। अब ये बता रहा है कि फिर तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 5 राज्यों में जो आने वाले समय में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ये 7-7.5 साल के डेवलपमेंट की तस्वीर है जो जनता के बीच गई हुई है। मोदी जी का मेहनत है, तपस्या है, परिश्रम है, ईमानदारी है, जिसकी वजह से पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के नक्शे से साफ होती जा रही है। जहां जहां हमारे भूपेश बघेल जी जाते हैं, वहां वहां बंठाधार करके आते हैं। पहले असम में गए, वहां का चुनाव पूरी तरह से निपटा गया है। उत्तर प्रदेश में 216 सभा प्रियंका का कराया, सब सीटों में हार गए। खुद 55 जगह में गए, वहां भी कांग्रेस सभी 54 जगह में हार गई। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं, काठ की हंडी है, एक बार चढ़ती है, छत्तीसगढ़ में चढ़ गई है, दोबारा कहीं नहीं चढ़ने वाली है। देश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता भी उनको आने वाले समय में इसी बुरी तरीके से रिजेक्ट करने वाली है। बड़ी बातें करने से चुनाव में नतीजे नहीं बदले जा सकते, धरातल में कोई विकास के काम छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहे। पर डॉक्टर सिंह, आप जो ये परिणाम देख रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के योगदान को कितना रेखांकित करते हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रही है, क्या मानते हैं छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान है? कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, भूपेश बघेल जी का आपने जिक्र किया, प्रियंका गांधी का जिक्र किया, इतनी मेहनत उन्होंने की, विपक्षियों के मतों का बंटवारा हो गया और उसने भाजपा की राह आसान कर दी, ऐसा कोई नजरिया आपका है? इस योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आप भूपेश बघेल जी को? नहीं, वो तो जहां जहां जाते हैं हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि वहां कांग्रेस को डुबा के आएंगे। और जिस प्रकार वोटों का विभाजन, कांग्रेस अब वो राजनीतिक पार्टी बन गई है जो जीतना नहीं चाहती, वोटों को सिर्फ विभाजित कर सकती है, उनकी स्थिति ये बनी हुई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी हम धन्यवाद देंगे कि ऐसा ही चलता रहे तो आने वाले समय में फिर हमारा रास्ता सरल होगा। कांग्रेस के संदर्भ में आपने प्रतिक्रिया दी, लेकिन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके अंतर्गत पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अचंभित करने वाला है। 117 सीटें, 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आपके पास में तकरीबन 5 दशक का राजनीतिक अनुभव है, इस जीत को, इस रुझान को किस नजरिए से देखते हैं डॉक्टर रमन सिंह? रुझान को देखता हूं कि जो कहीं ना कहीं दिल्ली का असर उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में हुआ है और जिस प्रकार से योजनाओं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं उसके जाल में वहां की जनता भी आ जाती है। मुझे लगता है कि ये केजरीवाल और केजरीवाल के तात्कालिक जो घोषणाएं हैं उसका नतीजा है। लेकिन पंजाब के संदर्भ में जो तमाम दिग्गज थे, प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में चुनाव हार रहे हैं लंबी से, सुखबीर बादल भी हार रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी हार रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी हार रहे हैं, इन तमाम दिग्गजों की पराजय के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहिए डॉक्टर रमन सिंह? पंजाब की जनता इन राजनीतिक दल के लोगों से थक चुकी थी जी और इनको बदलना चाहती थी। भाजपा की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? ये जो आज का रुझान है, जिस प्रकार से 4 राज्यों में भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है,
भाजपा की अपनी राजनीति में क्या बदलाव आएगा डॉक्टर? रमन सिंह जी से हमारा नंबर टूट गया है। हमारे